दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत के बाद कुछ लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जानलेवा हमला किया। आखिर ये हमला किसने किया और क्यों किया? आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और ये हमला करने वाले लोग आखिर कौन थे? पूरी तफसील, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। दोस्तों, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले लाखों लोग सड़कों पर उतर गए और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करने लगे। वाकई में हम मुसलमानों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, अगर किसी मुसलमान की कोई गलती ना हो और उस पर जुल्म हो तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और बेशक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोई भी गलती नहीं, कोई भी गलत जुमला मुफ्ती साहब ने नहीं कहा है, तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। कुछ देर की खामोशी है, आज कल हमारा ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब किबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा, उसके बाद वहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब किबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है? अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत के बाद उन पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों कुछ वीडियोस YouTube पर अपलोड हुई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन दोस्तों, जब हमने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं, लोग बस गलत खबरें फैला रहे हैं। और अगर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी पर हमला भी करे तो कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा मुसलमानों के साथ है। बेशक अल्लाह ताला जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और अल्लाह ताला जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमेशा अमन सुकून चाहता है, शांति चाहता है। दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें।